बाबा जी क्या हाल है? ठीक है वे? ठीक है ना बाबा जी। अच्छा बाबा क्या मसला है तुम्हारे दसे सो? गरीब आदमी है बाबा, निके निके बच्चे हैं, मैं आप काम कर नहीं सकता, मजदूरी करना मारी यूँ वसेल कोई कह नहीं पे जी अपना रोजी तो खुश तारात करूँ, निके निके बच्चे हैं, कोई मेहरबानी थी वे तावन किया वे गरीब आदमी है, बच्चे छुआर कर छोटे छोटे निके निके धीरे ने बाल मेहरबानी थी वे जो कुछ अल्लाह ताला तुमको तफीक दे सके सारी इमदाद की वे। बाबा जी इंशाल्लाह हमने पैगाम पहुंचा दिया है बहन भाइयों तक, जो आपके बेटे और बेटियां देख रहे हैं ना इंशाल्लाह ज़रूर वो आपकी हेल्प करेंगे, दुआ करनी है उनके लिए जो आपकी बेटी और बेटे देख रहे हैं आपको। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है वे? ठीक शुक्र। पैगाम देना चाहो निके निके बच्चे कुछ फर संगन दे संगन लोगों ने जोगे काम करे ने कोई रोजगार नहीं पूरा थी कशे नहीं पूरी सारी दीवारी तोड़ो हजा कुटो शाम को वाले गुजारा नहीं चलता बच्चों का। अच्छा अम्मा जी आप कोई हुनर जानती हो? मैं तो कोई नहीं जानती, निकी जी बच्ची है, हम सैन के घर देखा सट छोड़िए ओदन भी सिलाई मशीन हो गए तो सही को हुनर को सिखाऊं कपड़े शपड़े को सीख। कौन सी बेटी आपकी हुनर सीख रही है? निकी जी बच्ची निकी अलीना भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये स्कूल नहीं पढ़ती? स्कूल नहीं जरूरत नहीं मेरे बच्चे पढ़ावन की किताबों के पैसे को नहीं मैं खर्चा कोई नहीं, मैं जिन लोगों की मजदूरी करके खानी मैं इन्होंने दो खर्चा पूरा करा। अच्छा आपके कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते ना ही बेटी और ना ही बेटी जो खर्चा कोई नहीं मेरे कोई शायद भी कहानी मेरे को मैं इन्हों पेट पाला मैं अपना कहना है कि मेरे कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो ऐसे ही मतलब घर पर बैठ गए हैं, दूसरों के घर में जाते हैं काम करने के लिए लेकिन फिर भी इनका गुजारा नहीं हो रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ने की उम्र है, ये जाती हैं फिर दूसरों के घर में काम करने के लिए, क्यों जाती हैं? मजबूरी की वजह से, हालात ऐसे हैं, हालात माड़े हैं, माड़े होने की वजह से फिर ये अम्मा जी ने मतलब ये दूसरों के घर में काम करवा रही है। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा काम करे वो पढ़ लिखे ना? तो आइए इस नेक मकसद में हमारा साथ दें ताकि इस बाबा जी जो मुश्किल का सामना कर रहे हैं वो हल किया जाए। बाबा जी के आप देख सकते हैं पैर में कोई जूते नहीं है, शायद वैसे कपड़े खरीदे नहीं जूते ना पिछली देगी देना सारे को कशे है लोग देने लथोड़ा में ते ऐसा घिन के पहने हैं सारे अपने वे जरूरत आवन कोई नहीं ऐसा जरा घिन के पाऊं काम कीता जीता हूं ना कपड़े जूते नहीं चंदे ऐसा घिन के वो पुराने उन्होंने चाह के पाते। अम्मा जी के कहना है कोई हमें देता है तो वो हम मतलब पहनते हैं, अदरवाइज हम कोई कपड़े ना ही जूते खरीद सकते हैं और ना ही हम मतलब बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। तो आइए आप अपनी कुर्बानी हमारे गांव में करें ताकि आपका जो जानवर होगा इंशाल्लाह हम आपके नाम का ज़बह करवाएंगे और जो आपके जानवर का गोश्त होगा इंशाल्लाह हम इस तरह छोटे छोटे बच्चों और मुस्तहिक फैमिली में तकसीम कर देंगे। जो भी इस तरह नेक मकसद में हमारा साथ देना चाहता है, जो भी कुर्बानी अपनी हमारे गांव में करना चाहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, हमसे रब्ता करके आप इन छोटे छोटे बच्चों की चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। बच्चों आपने दुआ करनी है उनके लिए जो आपके बहन भाई आपको देख रहे हैं, ठीक है बच्चों दुआ करनी है, दुआ करे सो ना उन्होंने वास्ते जेडी तुम्हारी हेल्प करे सन जेडे बहन भाई तो देते पैन तुस दुआ करे सो ना जा। अच्छा मेरे भाई आपको पढ़ने का शौक है बच्चों थोको पढ़ने का शौक है? बच्चे कह रहे हैं कि हमें पढ़ने का शौक है लेकिन हमारे वालिद गरीब है, इनके पास वो इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये हमें पढ़ा लिखा सके। तो आइए बच्चों पर चेहरे पर मुस्कान लाइए, आप अपने रिज के हलाल कमाई में से उन बच्चों का साथ दें ताकि ये फैमिली आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दुआ करते रहें। बाबा जी दुआ में याद रखने इंशाल्लाह हम दोबारा आपके पास बहुत ही जल्द वापस आएंगे, आपके लिए खुशखबरी लेकर हम ज़रूर रहेंगे इंशाल्लाह, दुआ करनी है उनके लिए। और बाबा जी की रूम की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ये छोटी सी जगह है और सिर्फ एक ही चारपाई है और इनके माशाल्लाह सात बच्चे हैं, घर के नौ अफराद होते हैं, पांच इनकी बेटियां हैं और दो इनके बेटे हैं लेकिन सिर्फ एक चारपाई पाई है, तकरीबन इनके चार पांच बच्चे ऊपर सोते हैं चारपाई पर जो छोटे हैं, अदरवाइज बाबा जी और माँ जी और ये जो हमारा छोटा भाई बैठा है ये भी फिर नीचे छोड़ देता है। बाबा जी थोड़ा कोई रजाया है? नहीं, बाबा जी का कहना है कि हमारे पास रजाया भी नहीं है ऊपर उड़ने के लिए, बड़ा बाबा जी कह रहे हैं कि छोटा सा
हमारे पास वो कपड़ा है जो हम ऊपर मतलब अपने छोटे बच्चों पर ऊपर डालते हैं, अदरवाइज हम ऐसे सोते हैं। तो बाबा जी देखें इसी जमीन पर ही सोते हैं, जगह छोटी सी है, रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, फैसिलिटी भी नहीं है बाबा जी कि ये अपना गुजारा आसानी के साथ चला सके, ये हर जगह से डैमेज है। सबसे गुजारिश करता हूँ आपसे जितना हो सकता है खुदारा आप इनकी मदद करें ताकि ये फैमिली आपके लिए दुआ करते रहें।